टैक्स बचाने के लिए केवल बचे हैं कुछ दिन, इन स्कीम में पैसा लगाकर करें बचत और कमाएं मोटा मुनाफा। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने में केवल कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें 2 दिन की छुट्टी है, मतलब टैक्स सेविंग करने के लिए आपके पास बस लगभग 6 दिन बाकी हैं। अगर आपने अभी भी टैक्स सेविंग नहीं की है तो अब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कम समय में टैक्स सेविंग करने के लिए आपको कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं जहां टैक्स तो बचेगा ही, साथ में आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। बाजार के जानकारों की माने तो टैक्स सेविंग करने के लिए और उसमें निवेश में कमाई करने के लिए PPF सहित कुछ दूसरी स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। इन विकल्पों में सबसे ज्यादा फायदेमंद ELSS सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है। इन स्कीम की खासियत यह है कि इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और टैक्स सेविंग्स तो होती ही है। कहां मिलता है कितना रिटर्न? टैक्स सेविंग और पैसा कमाने के लिए यूं तो मार्केट में कई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन PPF, NSE, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, टाइम डिपॉजिट स्कीम कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहां बेहतर रिटर्न मिल सकता है। PPF पर 7.10% का ब्याज मिलता है, तो वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.8% के ब्याज देता है। टाइम डिपॉजिट स्कीम की बात करें तो यहां आप 6.7% का ब्याज पा सकते हैं। किसान विकास पत्र खरीदने पर टैक्स में छूट के साथ 6.9% का ब्याज भी मिलता है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो ये आपकी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करता है, टैक्स भी बचाता है और इसमें 7.60% का रिटर्न भी मिलता है। FD भी है बेहतर विकल्प। अगर आप बिना जोखिम के अपने निवेश पर टैक्स बचाने के साथ कमाई करना चाहते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट भी बेहतर विकल्प मान सकते हैं। अलग अलग बैंक FD पर 5.30% से 6.75% तक का रिटर्न देते हैं। वहीं अगर आप अपनी लाइफ इंश्योर करके टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो यूलिप प्लान्स भी बेहतर विकल्प बन सकता है। यूलिप एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जहां बीमा और निवेश और टैक्स सेविंग तीनों लाभ एक साथ मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो जल्द कर लें, क्योंकि आपके पास 31 मार्च तक का ही समय है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।